Hello friends, welcome to your channel ED Museum. My name is Shashank and today we are going to start a new topic of mathematics, that is trigonometry. और ये trigonometry क्या है, चलो इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो trigonometry जो वर्ड है, trigonometry क्या है एक्चुअली और trigonometry का क्या यूज है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो आप अगल बगल में अपने जितने भी बिल्डिंग्स देखते हो, स्ट्रक्चर्स देखते हो, मोनूमेंट्स देखते हो, टनल्स देखते हो, ब्रिजेस देखते हो, इस सब के कंस्ट्रक्शन में इसका एक बेसिक रोल है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। बिना इसके कॉन्सेप्ट का हम लोग कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री को। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इट्स साइड्स एंड इट्स एंगल। मतलब ये रिलेशनशिप किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप बताता है हमको ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चलो आज हम, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट योर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है? कोई भी वैसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के ऊपर जो वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई एंगल है यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा? ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा। मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए। दोनों का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए, दोनों का सम मिला के तो 90 होगा ही, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 है, तो ये दोनों मिला के भी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दैट मीन्स दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और अगर मान लो ये एंगल बेस एंगल, इसको हम लोग मान लीजिए बेस एंगल, मतलब अगर व्यूअर कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसका बेस एंगल ये होगा। और बेस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस एंगल को हम लोग थीटा माने हैं, और थीटा के ऑपोजिट वाले साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और जो बच गया साइड, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसीलिए इसको बेस एंगल बोला जाता है, क्योंकि ये बेस के एडजेसेंट है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज भी एडजेसेंट है, लेकिन ये नीचे वाले को हम लोग मानते हैं। सिमिलरली अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? कुछ सोचो, ये 90 है, ये थीटा है, तो इसको तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए ना, 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर मान लो ये 30 डिग्री है, तीनों एंगल, तीनों ट्रैक, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये अगर 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, या फिर बोल सकते हो दोनों एक्यूट एंगल, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि जिसको हम लोग बेस एंगल मानते हैं, उसके ऑपोजिट वाला साइड क्या बन जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर मान लो इस केस में, अगर इसको आप, कोई ऑब्जर्वर इधर है, यहाँ पे खड़ा है, यहां से वो देख रहा है, तो उसका बेस एंगल इस बार क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इस केस में इसके लिए अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अब उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये बेस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज को सेम ही रहेगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट। तो इस बार ये क्या हो जाएगा? फिर इस एंगल के लिए हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। और अगर थीटा एंगल का बात करें, तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या बताता है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम का। मतलब परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा, दोनों को अगर आप मिला दोगे, तो दोनों को आप जोड़ दोगे, तो इक्वल आएगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। और जो भी ट्राइंगल इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। मतलब अगर एग्जाम्पल से समझू, अगर बेस कोई ट्राइंगल जिसका बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? निकाल सकते हो यहाँ से, यहाँ पे क्या कर दो, एच को रख दो, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो अंडर रूट होगा, तो एच इक्वल्स टू हमारा आ गया, प्लस करोगे तो 25, और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5। तो ये साइड कितना हो जाएगा हमारा? 5। दैट मीन्स 3,
फोर और फाइव साइड्स लेके ऐसा ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं। इसमें 6 8 10 आता है, 13 12 5 आता है, ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। मतलब ये तीन, अगर कोई ट्रायंगल है जिसका अगर साइड ऐसा है तो आठ बनकर के आप बोलोगे कि ये कुछ कोई और ट्रायंगल नहीं बल्कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि देखो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इनका स्क्वायर कितना होता है 169, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी, तो इसका 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 मिला लो आप, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, वैसे ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइड्स और उसके एंगल के बीच का रिलेशंस, और इसका बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन है, आगे आप लोग समझ जाओगे इसको फ्यूचर क्लासेस में और डिटेल में इसको पढ़ना है। फिलहाल आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का कितना साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है, और 3 साइड्स लेके आप कितना रेशियो बना सकते हो उसका, किसी भी 3 साइड्स को लेके आप मैक्सिमम कितना रेशियो बना सकते हो, रेशियो मतलब दो ना, दो का रेशियो। जैसे रेशियो को देखो, जैसे अगर हम लिखे इसको 3:2, तो ये रेशियो है, रेशियो का नॉर्मल फॉर्म है। अगर इसको हम 3:2 लिखे तो ये भी तो एक रेशियो है, लेकिन इसको रेशियो का फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं, या फिर इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो अगर डिवाइड करोगे तो, ये भी रेशियो है, ये रेशियो का डेसिमल फॉर्म है, ये रेशियो का फ्रैक्शनल फॉर्म है, और ये रेशियो का जनरल फॉर्म है। तो अगर कोई हमारे पास 3 साइड है और 3 साइड से लेके हम अगर 2 का रेशियो बनाना है तो मैक्सिमम कितना साइड्स बनेगा, मतलब कितना रेशियो बनेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप देख लो 6 रेशियो बनेगा। एक बार हम ये दोनों को ले सकते हैं, एक बार ये दोनों को ले सकते हैं, देखो हम एग्जांपल समझते हैं, एक बार HP को ले सकते हैं, एक बार HB को ले सकते हैं, सेकंड केस में एक बार PB को ले सकते हैं, और एक बार PH को ले सकते हैं। सिमिलरली थर्ड केस में एक बार BH को ले सकते हैं और एक बार BP को ले सकते हैं, और कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम हम लोग कितना रेशियो बना सकते हैं, 6 रेशियो बना सकते हैं, और इसी का यूज होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज में। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना, और वो क्या क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ। 3 आपको पहले याद रखना है, दूसरा आपको खुद याद रहेगा। वैसे मान लो ये बेस एंगल को थीटा माना, तो पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना। इसको साइन बोलते हैं, इसको कोसाइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका लेकिन शॉर्ट फॉर्म है साइन कॉस टेन। अच्छा, साइन क्या होता है, देखो साइन जो होता है, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो होता है। मतलब जब आप परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, साइन आएगा। वैसे ही कोस क्या होता है, बेस को जब आप हाइपोटेनस से डिवाइड करते हो तो क्या किसका वैल्यू आता है, कोस का वैल्यू आता है। और टेन क्या होता है, जब परपेंडिकुलर को आप बेस से डिवाइड करते हो तो क्या आता है हमारा, तो हमारा टेन आता है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, 3 और रेशियो है साइन कोस टेन, किसका है, कोट सेक और कोसेक, ठीक है। आपको याद रखना है एक चीज कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, दैट मींस अगर साइन इक्वल्स टू पी बाई एच होता है तो कोसेक इक्वल्स टू क्या होगा, एच बाई पी। कोसेक जो होता है एच बाई पी। अगर हाइपोटेनस को आप पी से डिवाइड करोगे तो कोसेक निकलेगा, और अगर पी को आप एच से डिवाइड करोगे तो वो साइन निकलेगा, ठीक है ना। साइन ऊपर वाला है और कोसेक नीचे वाला उल्टा है। वैसे ही कोसेक का उल्टा होता है सेक, कोसेक बी बाई एच होता है और सेक क्या होता है, एच बाई बी। सिमिलरली 10 का उल्टा होता है कोट। अगर 10 को हम पी अपॉन बी लिख सकते हैं तो कोट को हम लोग बी अपॉन पी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ जो यूजुअली यूज होता है। देखो यहाँ पे पंडित बोला पप्पू हरी हरी बोल, थोड़ा वर्ड है लेकिन समझ लो, पंडित बोला पप्पू हरी हरी बोल, और उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे अगर आप ऐसे लिख सकते हो, पंडित बोला पप्पू हरी हरी बोल, ठीक है, पंडित बोला पप्पू हरी हरी बोल। और उसके बाद क्या करो, आप इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन, और जैसे उसके नीचे ये हो गया कॉट, ये हो गया से और ये हो गया कॉस। तो ये आपके पास एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये छह आइडेंटिटीज है हमारे पास, सो मैंने इसको ये सेक हो जाएगा और ये पॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास छह आइडेंटिटीज है या फिर छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में होना चाहिए हमेशा। साइन अगर बोले तो आपको होना चाहिए बी बाई एच, कोस बोले तो बी बाई एच, टेन बोले तो पी बाई बी, कोट बोले तो बी बाई पी, वैसे करके आपके आपको सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम लोग ध्यान से समझते हैं एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ पे बना दिया उसको। चलो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एच, साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस का रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही टेन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो और उसका उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा है। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि अच्छा एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो ना, अब साइन को और कोसेक को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, दैट मींस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू निकलता है इसका, दोनों का वैल्यू कितना आएगा वन आता है। कैसे आता है देखो, साइन को ऊपर को नीचे से साइन को कोस से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आएगा वन आएगा, वैसे ही कोस को सेक से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू वन आएगा, वैसे ही टेन को कोट से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू वन आएगा। इसको हम लोग समझते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। साइन का वैल्यू क्या है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और कोसेक क्या होता है, कोसेक जो होता है उल्टा होता है एच अपॉन पी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एच अपॉन पी। देखो यहां से एच एच कट गया, पी पी कट गया, तो अल्टीमेटली कितना रिजल्ट आ गया वन। That means, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स कितना होता है वन होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा जो होता है वन अपॉन साइन थीटा, दोनों बात सेम ही है ना, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, इस इक्वेशन से, ठीक है। वैसे ही तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, तीनों के लिए देख लेते हैं हम लोग। देखो cos into sec, cos theta into sec theta का वैल्यू कितना आता है वन आएगा, cos theta into sec theta का वैल्यू कितना आएगा वन आएगा, इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। देखो b upon h और उल्टा क्या होता है h upon b, काटोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है वन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि cos थीटा जो होता है वो इक्वल होता है वन अपॉन sec थीटा, या फिर आप ऐसे लिख दो sec थीटा जो होता है वो इक्वल होता है वन अपॉन cos थीटा। ये सारा आइडेंटिटीज आपके माइंड में होना चाहिए, चलना चाहिए क्वेश्चन करते समय, ठीक है ना। चलो सिमिलरली लास्ट वाले का भी वैसे ही होगा, जब आप टेन को कोट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू वन आएगा, ठीक है ना। इसको करने का जरूरत नहीं है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू कितना आता है वन आता है, प्रूफ करने के लिए वही करोगे p by b पर इंटू b by p, कट कट के वन आता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपॉन cot थीटा, सिमिलरली cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन tan थीटा, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ आइडेंटिटीज है जो आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, सिमिलरली कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, वैसे ही कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और सेक का रेसिप्रोकल होता है कोस, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, और कोट का रेसिप्रोकल होता है टेन, रेसिप्रोकल मींस उल्टा, ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब आप ना साइन को कोस से डिवाइड कर देते हैं, क्या करेंगे हम लोग साइन को क्या से डिवाइड कर देते हैं कोस से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो साइन थीटा को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, कोस थीटा से, तो क्या आएगा देखो ध्यान से देखो, साइन को अगर आप कोस से डिवाइड करते हो तो वैल्यू आता है टेन थीटा, वो कैसे आया देखो, साइन का वैल्यू कितना है पी बाई एच, तो ऊपर हम लोग लिख देते हैं पी बाई एच, कोस का वैल्यू कितना है बी बाई एच, उसका हो गया बी बाई एच, जब आप कट करोगे तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा और क्या बच जाएगा पी बाई बी। और देखो p by b को हम क्या लिख सकते हैं, p by b को हम लिख सकते हैं tan tan theta, that means यहां से हमारा रिजल्ट आ गया, ये हो गया tan का क्या होता है p by b, means p by b। तो
टेन थीटा का वैल्यू जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से इसको ध्यान में रखना। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। जब साइन थीटा को आप कॉस थीटा से डिवाइड करते तो जो वैल्यू आता है वो क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा कॉस अपॉन, जब कॉस को आप साइन से डिवाइड करोगे तो वैसे ही आपका वैल्यू किसका आ जाएगा, जब कॉस थीटा को आप साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कॉट थीटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। और ये कैसे है हम बता दिया अभी। अब देखो यहाँ से आप एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो माइंड में आप एक चीज चलते रहना चाहिए। यहाँ से हम साइन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखो आप ध्यान से, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ठीक लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। कॉस थीटा को यहाँ से आप लिख सकते हो साइन अपॉन टेन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटीज ज्यादा यूज नहीं होता है अभी, इसीलिए आपको भी इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं वो आते हैं इंपॉर्टेंट बेसिक आइडेंटिटीज जिसका यूज होने वाला है बहुत, हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज पे आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर टू स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, तो चेंज करके हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमको ये नहीं बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। अब हम लोग क्या करेंगे इससे, अब इस इक्वेशन को ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी बाई एच का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कट के कितना आएगा वैल्यू वन आ जाएगा। तो यहां से देखो पी बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस बी बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं कोस, कोस थीटा मतलब कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा है सबका थीटा मान के चलो, कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल हमने थीटा माना है इसीलिए, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हो अल्फा बीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अब देखो तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है वन आता है, माइंड में आप बैठा लेना। और कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, आप पाइथागोरस थ्योरम को क्या किए एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। और यहाँ से हम लोग एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन, और एक कोस स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो क्या बच गया, क्या बन गया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली हम लोग कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं cos square theta को हम लोग लिख सकते हैं, ये sin equals to के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा one minus sin square theta। और ये तीन identities बहुत ही ज़्यादा important होने आने और काम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये तीनों identities आप कर लेना, आपको बस ये याद होना चाहिए, ये तो खुद ही बन जाएगा, लेकिन आपके माइंड में ये सब चीज चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। जब भी अगर sin square theta जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके माइंड में ये सब चलते रहना चाहिए कि sin square theta equals to होता है one minus cos square theta, वैसे ही cos square theta equals to होता है one minus sin square theta, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है वन होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो है ये सबको नोट करते रहना, ये बहुत काम आने वाला है। आज का क्लास में यही फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड होगा, इसमें हम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस हमारा h square equals to p square plus b square। इस पर आप क्या करो ना सारे इक्वेशंस को आप p से डिवाइड करो p square से,
तो बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते हो, फर्स्ट वाले केस में हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड किए, इस बार हम लोग क्या किए पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, और पी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा वन, करके कितना रहेगा वन, वन प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बाई पी का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग डिवाइड करें तो वन आ गया, कट के वन आ गया, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b by p का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं h by p का होल स्क्वायर। तो b by p को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू h by p, h by p को हम लोग क्या लिख सकते हैं cosec, यहाँ से हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको ध्यान में रखना, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक चीज और आप लोग लिख सकते हो कि वन को ये रहने दो और स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, लिख सकते हैं ना इसको, वन को इधर रहने दो इक्वल्स टू के कोट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो इक्वल टू का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया वन आ गया। सिमिलरली एक चीज और हम लोग बना सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, और ये वन उधर चला जाएगा तो क्या रहेगा माइनस वन। तो ये भी तीन एबिलिटीज हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, फर्स्ट वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, सेकंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, एंड थर्ड cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोई भी एक आपको अगर पता है तो आप चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट आइडेंटिटीज देखने वाले हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इस बार हम लोग डिवाइड करेंगे बेस, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बेस, तो इस बार हम लोग b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा p by b का होल स्क्वायर, और ये कट के क्या आ जाएगा 1 ही रह जाएगा प्लस 1, और इसको h by b का होल स्क्वायर। देखो p by b किसको बोलते हैं 10 को बोलते हैं, देखो p by b means क्या होता है 10, तो यहाँ पे बन गया 10 square theta plus 1 equals to h by b, h by b, h by b को हम लोग क्या लिख सकते हैं sec लिख सकते हैं, तो यहाँ से बन गया sec square theta, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 10 square theta plus 1 equals to sec square theta, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो यहाँ से आप tan square theta को लिख सकते हो sec square theta minus 1, 1 उधर चला जाएगा तो क्या रहेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली आप एक चीज और लिख सकते हो sec square theta minus tan square theta equals to 1, sec square theta ये tan उधर चला जाएगा तो क्या रहेगा minus tan square theta equals to क्या बच जाएगा 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो आपको हेल्प करने वाला है। तो बेसिकली स्क्वायर वाला अभी तक हम लोग कितना आइडेंटिटीज देख लिए, बेसिक आइडेंटिटीज तो तीन था, लेकिन उस तीन से भी तीन तीन हम लोग बनाए, दैट मींस 9 आइडेंटिटीज हम लोग अभी देख चुके हैं, और वो रेशियो वाला आइडेंटिटीज जो था वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अगले वीडियो में हम लोग और इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।